गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं अभी हूँ मुंबई सेंट्रल में भाई, और मैं अभी जा रहा हूँ अपने जॉब पे। और जॉब पे जाने के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा भाई सांता क्रूज। तो लोकल में हूँ, करीब करीब अभी आधा घंटा लगेगा जाने में। और भाई रूम से निकलने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, और पहुँचना भी जल्दी था आज क्योंकि अर्जेंट माल था भाई। आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में, कल वाला ब्लॉग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें दिखाए थे 3-4 गोनी माल था, वो मारना था, काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट था भाई। भाई यार पता नहीं कभी कभी क्या होता है, मोबाइल का जो कैमरा था वो बंद हो गया था भाई, आधा रिकॉर्ड हुआ आधा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जल्दी पहुंचना था, बस लेट हो गए थे भाई। लेट इसलिए हो गए क्योंकि रूम से तो काफ़ी जल्दी निकल गए थे, ट्रैफिक था भाई, और ट्रैफिक में टैक्सी लिए थे, टैक्सी लेने में करीब वहाँ से आने में आधा घंटा चले गया। ट्रैफिक इतना रहता है कि पूछो मत। फिलहाल अभी लोकल में हूँ और अभी मैं पहुँच चुका हूँ महालक्ष्मी स्टेशन। ये देख सकते हो भाई साहब, ये है महालक्ष्मी स्टेशन। और ये लोकल देखो भाई साहब, जब इधर से जाता हो ना तो पूरा लोकल खाली रहती है भाई। तो उठाते हैं इस सफ़र का आनंद, और अभी यहाँ से जाने में करीब करीब मुझे आधा घंटा लगेगा। और इधर से जब भी मैं लोकल से सफ़र करता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि भाई इधर भीड़ नहीं रहता है, हर सीट खाली रहता है क्योंकि चर्ची गेट से खुलता है, तो उधर ज़्यादा लोग चढ़ते नहीं हैं। इधर से धीरे धीरे भरते 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 जाता है, बोरीवली में खाली हो जाती है भाई। तो चलिए उठाते हैं सफ़र का आनंद और दिखाता हूँ आप सभी को, बहुत यूनिक सा काम आया है भाई। भाई अभी खार पहुंच चुका हूं, और एक चीज़ और आज है, मैं जिधर जॉब करता हूं उधर प्रभात कॉलोनी में सबसे बड़ा गणपति जी का आगमन होने वाली है। और आप सभी को तो पता होगा मुंबई में सबसे ज़ोरों शोरों से मनाने जाने वाली त्यौहार गणपति जी की है, जो कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है भाई, सबसे ज़्यादा यहीं पर ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब गणपति जी का विसर्जन होता है, लेकिन आज है आगमन का दिन, जिधर मैं जॉब करता हूँ वो भी देखने के लिए मिलेगा। स्टेशन के बाजू का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, देख सकते हो आप सभी। भाई फाइनली आ चुका हूँ कारखाने पे, और कारखाने पे आने के बाद भाई मशीन चलाएं तो मशीन हो चुकी है ख़राब, और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि फीटर कब तक आएगी, फीटर आएगी मशीन बनाएगी तो जाके चलेगा भाई। और ख़राब किस वजह से हुआ आओ आपको दिखाते हैं। और भाई दो दिन पहले जो वीडियो डाले थे उस वीडियो में आप सभी को बताए थे कि 3-4 पोटला माल है वही मारना था, तो आज वही काम है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यार मशीन हो चुकी है ख़राब। गाइस शाम का बज चुका है 8, और किसी कारण से सो गए थे भाई। सोने के बाद उठे थे डायरेक्ट 8 बजे, रूम पे जा रहे थे। रूम पे जाते समय आप सभी को वीडियो में बताए थे कि आज गणपति जी का आगमन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने भीड़ है भाई साहब, गणपति जी का आगमन है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से किस तरह से आगमन हो रही है, और कहाँ की आगमन हो रही है ये भी आपको बताता हूँ।
गाइस आइए मैं आप सभी को गणपति जी का दर्शन करवाता हूँ और मूर्ति दिखाता हूँ, कितनी विशाल मूर्ति है। यहाँ सामने देख सकते हो, यहाँ पे बजाने के लिए बहुत सारी सामान लाई गई है भाई, लेकिन बजा नहीं रहे हैं क्योंकि अलाउड नहीं है। सामने देख सकते हो गाड़ी में यहाँ पे लगा हुआ है कितनी सारी भाई। यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये गाड़ी पे आपको दिख जाएगा डीजे वीजे लगी हुई है, लेकिन बजाना अलाउड नहीं था। और सामने देख सकते हो गणेश जी की भव्य मूर्ति, काफ़ी बड़ी मूर्ति है भाई। आइए मैं आपको नज़दीक से दर्शन करवाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आगमन के दिन किस तरह से लोग देखने के लिए आए हैं। काफ़ी बड़ा मूर्ति है भाई, काफ़ी भव्य मूर्ति है। सामने देख सकते हो, आप भी दर्शन कर लीजिए गणेश जी की। और विसर्जन के समय में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। अभी तो आगमन का समय है, आगमन का आनंद उठाइए। जब विसर्जन होगी उस समय भी आपको वीडियो शूट करके मैं दिखाऊंगा। ये सामने देख सकते हो कितनी बड़ी विशाल मूर्ति है, गणपति बप्पा मोरिया। गाइस अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। काफ़ी छोटा ब्लॉग बना, छोटा ब्लॉग बनने का रीज़न ये था कि मशीन ख़राब हो चुकी थी भाई, सो गए थे, 8 बजे उठे डायरेक्ट आगमन का वीडियो आप सभी को दिखाएं। और फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ रूम पे, और भाई कल काफ़ी ज़्यादा काम है, कल का वीडियो कल ही देखने के लिए मिलेगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।